हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। और आज है आज है सबका छुट्टी का दिन, मतलब आपसे अच्छे सबकी छुट्टियाँ शुरू हो गई है अंकल आंटी की। और वीकेंड भी है बड़ा सा, तो अभी हम निकल गए हैं ब्लू माउंटेन को जाने के लिए। अभी यहाँ से 50 किलोमीटर की ड्राइव है, हमको 1 घंटा लगेगा। ये देखो, ये सब रेडी भी हो गए हैं। देखो, वो भी अदर बैठने जा रही है, अभी अंकल भी आएंगे। हमने ये नेबर की कार फिर से बोरो कर ली है 7 सीटर के लिए। आयुष कुटे, और बस अभी निकलते हैं एकदम तैयार वगैरह होके। तो गाइज, अभी हम ये पहले अभी जाते जाते यहाँ से रोड जा रहा था हमारा, तो हमने एक स्पॉट देखा यहाँ पे रिजर्व कर फिर कुछ। तो है यहाँ पे छोटा सा, देखो नदी है, आपको बता दो। देखो लोग यहाँ पे फोटो खिंचाने से गए वाले, तो यहाँ पे पूरा पानी ही पानी है। और हाँ गाइस, हम अपन जा रहे हैं ब्लू माउंटेन के लिए। यहाँ पे एक बाइकर भी आया है देखो, और शायद से ये पानी के अंदर जाने वाली वो बोट शायद छोटी सी है, वैसे कुछ करने वाले वहाँ पे कुछ क्या पता क्या कर रहे हैं लोग। और यहाँ पे इनका झगड़ा होते हुए बहुत जोर जोर से, मासी का और अंकल का झगड़ा हुआ, मर्डर तक हो गया था काम। तो क्या हो गया, तो चलो अभी सीट चेंज करते हैं और निकलते हैं आगे के डेस्टिनेशन के लिए। तो गाइस, अभी मैं आया था डोमिनोज में, ओवी और आयुष को भूख लगी थी, तो यहाँ पे डोमिनोज में आ चुका हूँ। अभी गार्लिक ब्रेड लेते हैं और निकलते हैं ऐसे, वो बाहर खड़े वहाँ पे, तो देखो टन उधर खड़े लेके निकलते फास्ट में। तो गाइस, अभी ऑर्डर पिकअप कर लिया है मैंने, अभी जाते हैं ओवी इनके पास, और वो किधर तो बैठे हैं अभी खाना खाने के लिए, अभी हम बैठते हैं। देखो गाइस, अपने मुंबई में ऐसी बस रही थी, वहाँ पे भी बस है ऐसी, सब घुमाती है। ब्लू माउंटेन्स वगैरह यहाँ पे जो फेमस वगैरह है ना, ये घुमाती है यहाँ पे ब्लू माउंटेन्स एक्सप्लोरर बस। तो गाइस, मैं अभी ब्लू माउंटेन्स की तरफ आया था। देखो यहाँ पे ब्लू माउंटेन्स है, और अभी मैंने सिडनी में एक बात नोटिस की गाइस, कि यहाँ पे ना अपने यहाँ पे बहुत पहले चले गए, जो हर घर के ऊपर ना एक एंटीना रहता है गाइस। देखो ये सब, ये हर घर के देख रही, आपको मेरे घर के पास में भी दिखाऊंगा। यहाँ पे फ्री चैनल्स आते हैं गाइस, मतलब उनके जो टीवी रहते हैं ना उसमें कुछ फ्री चैनल्स रहते हैं 8-10 चैनल, वो अभी भी आते हैं। और ऐसे हर घर के ऊपर एंटीना लगा रहता है, ऐसा रहता है। और अपने यहाँ पे तो बहुत पहले चला गया, अब सब अपने बहुत ये हो गए, ये एक बात रह गई इनकी पुरानी। और अभी यहाँ से देखो आगे ब्लू माउंटेन्स का नज़ारा एकदम, अंकल ने हम चारों को उतार दिया है फास्ट में, और वो आगे कार पार्किंग करने लगे हैं। और अभी हम यहाँ पे थोड़ा घूमेंगे वगैरह कुछ। देखो आगे, देखो नज़ारा देखो गाइस, बताता हूँ आपको एकदम भारी भारी शॉट्स निकलता हो अभी इसके। सो भाई लोग, अभी अपन आ गए हैं एकदम एंड पॉइंट पे, जहाँ से पूरा सीनिक व्यू दिखता है। बाप रे बाप, कितने बड़े बड़े ही है भाई ये देखो। हाँ ये देखो, ये थ्री सिस्टर्स है, जिसका बहुत नाम फेमस है थ्री सिस्टर के नाम से ये जगह। और व्यू देखो गाइस, आज भीड़ ज़्यादा है क्योंकि आज वीकेंड है इनका, ईस्टर की छुट्टी भी चालू हो गई है, इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं, इतनी भी भीड़ नहीं रही, बहुत कम भीड़ रहती है। तो देखो कोई तो भी ड्रोन उड़ा रहा है यहाँ पे। देखो गाइस, कैसा एकदम ड्राइंग के जैसा लग रहा है, सब ड्राइंग के जैसा ऐसा लग रहा है, पूरी ड्राइंग बनाई गई है। एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है, धूप ज़्यादा है पर अभी चलो, अभी अभी लग रही है, थोड़ी देर पहले छाव थी। ये देखो शायद से ये पूरा मैप है इसका। ये थ्री सिस्टर्स, इस साइड का व्यू दिखा दो गाइस आपको, रुको इस साइड में क्या है देखते हैं अपन। ये देखो ये दूसरे साइड का मैप है शायद, बहुत घना जंगल है, पूरा पूरा जंगली जंगल है, पूरा झाड़ 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 सब जगह, पूरे झाड़ झाड़, इसके नीचे भी जा सकते हैं, पूरा ग्रीन ग्रीन ग्रीन, किधर भी जगह भी नहीं दिख रही है गाइस, पूरा पूरा भरा हुआ है झाड़ों से। और अपन यहाँ पे जो ये थ्री सिस्टर्स बताया गाइस आपको मैंने, देखो ये वाले जो थ्री सिस्टर्स है, सॉरी ये वाले जो थ्री सिस्टर्स है ना,
इसमें ये जो कि ये वाला जो है ना, ये वाला इसमें अपन चल के भी जा सकते हैं, उसका रास्ता ऐसे जाता है। अभी देखते हैं हम जाते हैं कि नहीं वहाँ पे, शायद से यहीं पे थोड़ी देर रुकेंगे और फिर वापस निकलेंगे घर के लिए, देखते हैं क्या होता है। तो ये देखो गाइस, अभी हम ये वाले स्पॉट पे आ गए हैं, वो एक स्पॉट, दो स्पॉट, और यहाँ पे बहुत सारे स्पॉट्स हैं, वैसे अलग अलग एंगल से अलग अलग अच्छा अच्छा दिखता है सब। अभी देखो ये ऐसे दिख रहा है बस, और अगर आप इसको फॉलो करते जाओगे ऐसा ऐसा इधर से तो आप थ्री सिस्टर्स के वहाँ पर पहुँच जाओगे, ये इसमें उधर चले जाओगे आप। देखो कितना कितना दूर दूर तक है गाइस, एकदम एक दो तीन चार पाँच, एकदम दूर दूर तक दिख रहा है। और अभी सूरज देवता भी गए हैं अपना वापस छुप गए हैं, और वेदर अपडेट आज का जो है वो एकदम सनी है, आज भी अच्छा वेदर है गाइस। अभी प्लान ऐसा बना है गाइस कि अभी यहाँ से हम निकल जाएंगे, मतलब यही स्पॉट आज था हमारा, क्योंकि 40 किलोमीटर ही था पर टाइम ज़्यादा लगा, एक डेढ़ घंटा लगा क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी आज। बस अभी यहाँ से निकलेंगे और आज हमारा स्नूकर टेबल खेलने को जाने का प्लान है। यहाँ पे एक पास में बैडमिंटन टेबल बैडमिंटन कोर्ट है, उसके पास में स्नूकर टेबल भी है। अगर शायद जल्दी पहुँच जाएंगे, वो तो 24 आवर्स है वैसे, और अगर जल्दी पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर भी चले जाएंगे हम। तो गाइज अभी हम सब यहाँ पे बैठ चुके हैं, यहाँ पे देखो ये साइड इधर, और अभी यहाँ पे हम क्या भेल वगैरह कुछ बनाने वाले हैं, थोड़ा खाने वाले, यहाँ पे कुछ उन्होंने सामान वगैरह लाया है, अभी खाते हैं और फिर निकलते हैं घर के लिए। बस आज के लिए इतना ही था, बस एक ही स्पॉट के लिए आए थे हम यहाँ पे, वहाँ पे वो मतलब कार से भी ऊपर जाता था और उसका टिकट्स वगैरह सब फुल हो गया था, तो हमको लेते नहीं आया, तो क्या कर सकते हैं अभी, जाने दो। ये देख लिया, इससे ही बहुत मज़ा आ गई देख के, तो मस्त अभी मस्त भेल वगैरह बनाते हैं, खाते हैं और घर के लिए निकलते हैं, और फिर देखते हैं आज रात का क्या प्लान है। तो गाइज अभी यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है और अभी हम वापस निकल गए हैं हमारे घर के लिए, पर क्या अभी आयुष को थोड़ी फिर से भूख लगी थी तो अंकल ने उसके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, तो अभी मैं पिकअप करने जा रहा हूँ यहाँ पे फिर से डोमिनोज में। ये हमारा दूसरा टाइम है आज का डोमिनोज का एक ही शॉप से, तो अभी पिज़्ज़ा पिकअप करते हैं और निकलते हैं यहाँ से सीधा घर के लिए, और अभी थोड़ा लेट भी हो गया है हमें, तो देखते हैं अभी हमको स्नूकर खेलने को मिलता है कि नहीं। तो गाइज़ अभी हम एक एम्पल के पेट्रोल पंप पर रुक चुके हैं, तो देखो अंकल बाहर डीजल भर रहे गाड़ी में, और मैं इसके यहाँ पे आइसक्रीम दिलाने ला लिया। अभी वहाँ पे डीजल भरने का, और यहाँ पे आप आके अपने का जो बूथ है ना पेट्रोल पंप का बूथ, उसका नंबर बताने का खाली, और यहाँ पे आके पैसे देने के, मतलब ऐसा है यहाँ पे लोग नहीं है ना, तो यहाँ पे आके पैसे देने पड़ते आपको, वहाँ पे आपका आ जाता है कितना लीटर्स भरा आपने, क्या भरा, और फिर आपको पेमेंट करना पड़ता है। अभी आपको बताता हूँ मैं कैसा कर आता है वहाँ पे। तो गाइस व्हिच आइसक्रीम डू यू वांट दिस सर? ये देखो गाइस, ये हमारा $77 का पेट्रोल के साथ, और ये जो हमने लिया वो भी आ गया है, ऐसा भी आता है, और अभी यहाँ पे पेमेंट करके चले जाने का। बस देखो ये बंदा भी इंडियन ही है यहाँ पे काम करने वाला। भाई विश हैप्पी का। सो गाइज अभी मैं देखो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ पे का फास्ट टैग देखो कैसा रहता है, देखो ये फास्ट टैग लगा है और अभी भी पैसे कट गए। और अपने इंडिया में तो कैसा रहता है, वो फास्ट टैग एक कार्ड रहता है, अपन यहाँ लगा देते हैं और पूरा स्टॉप करना पड़ता है, और फिर उसके बाद में जाके वो अपना पैसे काटता है। पर रियल फास्ट टैग ये वाला है, जो यहाँ पे जो रुकानी भी नहीं पड़ती गाड़ी, सीधी नीचे से गई तो पैसे कट जाते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ये टेक्नोलॉजी अपने इंडिया में भी आनी चाहिए जल्दी से जल्दी, और वो फास्ट टैग चले जाने चाहिए। तो गाइज मैंने अभी मस्त रैप बनाया है ये दोनों का, और अभी बस ये खा के सो जाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, ऑडियोज़ अमिगोस, बाय बाय। Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so fine. Everybody asked me how I know. I smiled at them.